हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास। आज हम प्लस टू क्लास का थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हो, काफ़ी वास्ट चैप्टर है ये, और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों इसके काफ़ी मायने रखते हैं। बट हम इस चैप्टर के अंदर ओनली एलिमेंट्री एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या, तो ये केमिस्ट्री की क्या है बच्चों, एक है ब्रांच है। ठीक है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। बच्चों, इसमें हमें क्या सीखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो सेल पढ़ने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चों, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये सेल ही होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये दो सेल हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और ख़ास बात मैं इसकी आपको बता दूं कि ये जो सेल है, उस सेल की हम बात करें तो उस सेल के अंदर होता क्या है। जैसे जैसे हम मान लीजिए केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो क्या रहा है, देखिए जो तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें क्या सीखेंगे हम, ये सीखेंगे बच्चों कि जो केमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, केमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जिस एनर्जी को सॉरी जिस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम एनर्जी रिलीज करवाएंगे और उस एनर्जी जो रिलीज होगी उसका हम कन्वर्जन कर लेंगे। किसमें कन्वर्जन कर लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उससे हम क्या करेंगे, उससे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। पर इस बार जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वो जो रिएक्शन होने वाली है वो कैसी होने वाली है, नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। कौन सी रिएक्शन होने वाली है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जब हम केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो केमिकल के द्वारा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे तब कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि क्या है और क्या इसमें लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोडक्शन कर सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया ये वही है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ के देख सकते हो।
और इसके अंदर ये वाली ध्यान देखिए, एक लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल्स, लार्ज नंबर ऑफ मेटल जैसे जिंक, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये मेटल्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल मेथड्स। और केमिकल मेथड से हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रो डिफाइनिंग मेथड था, इलेक्ट्रो प्लेटिंग मेथड था। ये सारे स्टडी कौन करवाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाता है। कौन करवाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, उसमें एक इलेक्ट्रो डिफाइनिंग आता है, इम्प्योर मेटल रोड से प्योर मेटल रोड बनाते हैं, तो बहुत सारी मेटल्स भी हम बना सकते हैं। बैटरी एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज ऑन ए लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और खास कर क्या बात होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम जो केमिकल रिएक्शन देखेंगे उसमें काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होगा और लेस पोल्यूटिंग होगा, यानी इससे जो रिएक्शंस होगी इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी होगी, जो नई टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट की है वो हमारी कैसी, हमारी इको फ्रेंडली है। कैसी है? हमारे पास इको फ्रेंडली। ठीक है, वैसे तो देखो आपका जो सेल टू ब्रेन सिग्नल जाता है, या ब्रेन टू सेल आता है, या बिटवीन द सेल जो हमारे पास ये सिग्नल सेंड हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है हमारी एक इन्फॉर्मेशन का दूसरे इन्फॉर्मेशन का, तो इसमें भी किसका योगदान है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो वैसे तो ये काफ़ी बड़ा हम इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, बट इसमें हम ओनली एलिमेंट्री एस्पेक्ट की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। आपको एक सेल पता होना चाहिए और उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। जैसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो और केमिकल यानी केमिकल एनर्जी का यूज करेगा ये। ठीक है, द सेल विच कन्वर्ट, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस सेल को कौन सा सेल बोल देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देंगे। ठीक है, अच्छा इसकी बनावट कैसे होती है? जैसे इसमें हम एक गैल्वेनिक सेल की बात करें या डेनियल सेल जिसका हम नाम ले रहे हैं उसका हम करें, तो देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा एक सेल होता है, ये देखिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देखिए ध्यान से। एक तरफ हमने लिया ये वाला बीकर, इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कौन सा? आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये हमने एक जो बीच में यू शेप का जो ब्रिज बना रखा है, इस ब्रिज का नाम है साल्ट ब्रिज। क्या नाम है इसका? साल्ट ब्रिज। और जिंक रोड को डिप्ट करवा दिया एक सॉल्यूशन के अंदर। इधर हमने कॉपर मेटल रोड को डिप्ट करवा दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और दोनों को मेटल रोड को कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वायर थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, या फिर आप जैसे डायग्राम में दिखा रखा है वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस सेल में क्या रिएक्शन होती है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखो, जैसे ही आप इसमें साल्ट ब्रिज इंसर्ट करते हो, तो साल्ट ब्रिज इंसर्ट करने पे क्या होता है, जस्ट ए मिनट, तो साल्ट ब्रिज इंसर्ट करने पे क्या होता है कि ये दोनों सॉल्यूशन कंबाइन हो जाते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड से। ये क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। और जैसे ही ये भी इनडायरेक्ट मेथड से कंबाइन होते हैं, तो आपके पास, आपको पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने से जो जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना शुरू कर देगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपकी जो जिंक रोड है वो टूट रही है। जिंक रोड क्या हो रही है भाई? टूट रही है। ठीक है ना, जिंक रोड टूट जाएगी। कौन से पार्ट के अंदर? Zn2+2 के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो इधर चलना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, वायर में से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, और जहां ऑक्सीडेशन होती है उस टर्मिनल को बोलते हैं हम एनोड। तो हमारे पास ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है बच्चों? एनोड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है? एनोड पे।
ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरफ देखें राइट साइड, तो दो हमारे पास आयन है, कॉपर टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव आयन। तो इधर से नेगेटिव और चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो जो कॉपर टू पॉजिटिव है, वो कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन जहाँ होती है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, कौन से साइड है ये, तो एट है कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये क्या था, कॉपर ट्रू पॉजिटिव आयन था और ये कॉपर बन गया, यानी ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसके चारों ओर सॉलिड है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कॉपर मेटल रोड की जो विड्थ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर क्या जमना स्टार्ट हो जाएगा भाई, कॉपर टू पॉजिटिव जमना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इधर वाली रोड जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इधर वाली रोड जो है वो क्या हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ रहे। इसके अगर बाद की मैं बात करूं तो इस सेल के अंदर हमने दो रिएक्शन, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, जब रिएक्शन हो रही है तो जब इसमें कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है, Zn2 पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, और इधर कॉपर टू पॉजिटिव चला गया मान लीजिए, तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, SO4। तो इसके अंदर मान लीजिए जो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है लाइक K2SO4, तो ये जो SO4 2 नेगेटिव है वो न्यूट्रलाइज करेगा इस वाले सॉल्यूशन को, और जो K पॉजिटिव है वो न्यूट्रलाइज करेगा इस सॉल्यूशन को। यानी साल्ट ब्रिज के दो काम हो गए, पहला फंक्शन तो क्या हो गया कि इन्होंने दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन किया इनडायरेक्ट मेथड से, और दूसरा क्या हुआ कि जब इनके बीच में रिएक्शन हो रही थी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो हो रही थी, उस कारण जो आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड जो बिकर के अंदर जो कंसंट्रेशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही थी। लेफ्ट साइड में जो कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही थी, Zn2 पॉजिटिव आयन की इंक्रीज हो रही थी, और राइट साइड में SO4 2 नेगेटिव आयन की। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इनको न्यूट्रलाइज करने का भी काम किसने किया है, साल्ट ब्रिज ने किया है। तो साल्ट ब्रिज के दो मेन फंक्शन है, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, साल्ट ब्रिज के दो मेन फंक्शन क्या क्या फंक्शन है, साल्ट ब्रिज तो क्या होता है, यू शेप ब्रिज होता है जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो पहला फंक्शन क्या है, इट कंबाइन द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ बिकर बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से ये आपका कंबाइन हो रहा है। दूसरा, इट न्यूट्रलाइज दी सॉल्यूशन इन बोथ बीकर, दोनों बीकर के अंदर ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का भी काम है कर रहा है। ठीक है, अगर हम आगे देखें इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं पहले लिखूँ एट एनोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जिंक था और दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं एट कैथोड की, तो कैथोड पे क्या आपके पास जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी सेल की, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल आ जाएगी, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, Zn प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, एरो का साइन लगा के क्या लिख देंगे, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, ये आपके पास आ रही है, यानी जिंक तो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी ये एग्जाम्पल कौन सी रिएक्शन का, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हमें बात करें कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल लिख लेता हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले क्या था, Zn सॉलिड था, रोड थी वो, और वो कन्वर्ट हो गई किसमें, Zn
टू पॉजिटिव एक्वस, फिर डबल स्लैश लगा देना है, नेक्स्ट बीकर की बात करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव था, सॉल्यूशन था ये पहले, और सॉल्यूशन में से एक इसमें कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। तो इस तरह से ध्यान रखना बच्चों। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो किसी भी सेल का। ठीक है, अब हम अगर हम बात करें कि ये जो सेल है, ये जो हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये वोल्ट मीटर हमें क्या देगा ना, वो रीडिंग कितनी है वो देख लो। जब ये वोल्ट मीटर लगा रखा है हमने और इस पे वोल्ट मीटर पर रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आएगी 1.0 वोल्ट, जिसको हम ई एम एफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अभी मैं बताता हूँ आगे कि सबसे पहले पोटेंशियल दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल और एक पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और फिर पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड का क्या रोल है इसमें उसकी भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस पे एक्सटर्नल लगा देते हैं ना तब क्या होता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल अगर हम सोर्स लगा देते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेल, जो दिखाई दे रहा है, देखिए बड़ा करके ये वाली जूम, ये देखिए ये हमारा अभी सेल था। ठीक है, इस सेल में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किए, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, इस डायरेक्शन में आपके क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं आपसे पूछे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जी जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, जिंक मेटल और टू कॉपर, और इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, कॉपर टू जिंक। ठीक है, तो ये जो रोड है वो आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, टूटना स्टार्ट कर देगी, और इधर जेड एन टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है, और इधर ये रोड जो है वो बढ़ना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, डिपॉजिट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कॉपर टू पॉजिटिव। ठीक, अब इस पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल अप्लाई कर दे दिया, क्या अप्लाई कर दिया हमने, एक्सटर्नल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ जो लिखा है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि जब ये वोल्टमीटर लगा रखा था हमने, और ये जो वोल्टमीटर में रीडिंग आ रही थी, वो रीडिंग कितनी आ रही थी, 1.10 वोल्ट आ रही थी। तो एक्सटर्नल जो हमने अगर पोटेंशियल अप्लाई किया है, और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया जो कि 1.10 से कम है, अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ये सेल पहले काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे जिंक रोड टू कॉपर रोड, और करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, और जिंक क्या होगा, डिजोल होगा एट एनोड, और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा एट कैथोड। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, उस एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और जब इसको इंक्रीज करते करते जब हम इक्वल ले आएंगे 1.10 वोल्ट के, यहाँ देखिए जब हम इसको क्या ले आएंगे, 1.1 वोल्ट के इक्वल ले आएंगे, तो आपका सेल जो है वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, अब ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ना ही तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो होगा, और ना ही जो करंट है उसका फ्लो होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपोजिंग फोर्स लगा दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो रिएक्शन हो रही थी उसको स्टॉप कर दिया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो आपका ये इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो कर रहे थे। ठीक है ना, जैसे जिंक जो है, जिंक पे क्या हुई थी, अभी हम बताए थे हमने क्या, ऑक्सीडेशन हुई थी, तो जिंक वाली रोड का क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, कौन सा पोटेंशियल निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, और कॉपर रोड पे क्या हो रही थी, यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी, तो इसका क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, और इन दोनों पोटेंशियल में क्या था, कुछ ना कुछ डिफरेंस था जिसके कारण ये रिएक्शन हो रही थी। अब हमने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया और इसका दोनों का जो पोटेंशियल आ रहा था 1.10 वोल्ट, वो हमने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, तो अब जो है वो काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, और नो केमिकल रिएक्शन, तो कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी और कोई करंट या इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रखी है वो आपकी ग्रेटर देन हो जाए। ठीक है ना, देखो अब वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लो पीछे वाले कंसेप्ट पे जाऊं, देखो यहाँ पे क्या था, जिंक वाला जो है ना वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, फिर से सुनिए, जिंक वाला जो है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आपको जी, ठीक जरूर हो रहा है, इधर क्या हो रहा है आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकले तो इधर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और इधर कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है ना। पर अब मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल जो वोल्टेज है
वो आपका ग्रेटर देन होगा 1.10 वोल्ट से, और अपोजिट रिवर्स होगा, मतलब यहां मैं बैटरी का पॉजिटिव लेके आऊंगा और यहां मैं नेगेटिव लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी देखिए नेक्स्ट डायग्राम, ये रहा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा और जूम कर दिया आपके लिए, देखिए अब क्लियर विजिबल हो रहा होगा। अब देखो ये जो नेगेटिव कैथोड है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, इधर कैथोड बन जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या था, ये एनोड था, तो इधर पॉजिटिव अप्लाई किया, इधर नेगेटिव, अब अपोजिट हो जाएगा। जब एक्सटर्नल वोल्टेज, तो इस बार इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कॉपर, कॉपर टू जिंक रोड, तो करंट आपका अपोजिट हो जाएगा, करंट हो जाएगा जिंक टू कॉपर। पहले क्या हो रहा था, जिंक मेटल डिसोशिएट हो रही थी, डिजोल हो रही थी, अब क्या हो जाएगी, कॉपर मेटल डिजोल होना स्टार्ट हो जाएगी। और पहले कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रही थी, अब आपके पास Zn2 पॉजिटिव डिजोल, यानी अपोजिट हो गया। यानी जो पहले ऑक्सीडेशन कर रहा था वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.1 से हम ज्यादा लगा देते हैं, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और जिंक डिपॉजिट एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजोल एट कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर जो है वो डिजोल होना स्टार्ट हो जाएगा और जिंक का जो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। पर पहले क्या हो रहा था इस सेल के अंदर, पहले हो रहा था कि आपके पास जिंक तो है वो तो डिजोल हो रहा था और कॉपर डिपॉजिट। यानी अब ये जो सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव ना करकर ये कौन से सेल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसमें कुछ बात करें तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी, थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी नज़र लगा लो, देख लो कोई पॉइंट में आपको कुछ गड़बड़ ना हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी होती है रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने कहा कि डेनियल सेल को जैसे अर्लियर अभी मैंने बताया है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है, यही हो रही है जो मैं नेट ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल लिखा था। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है, यानी कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन कर कॉपर बन रहा है, जिंक जो है वो लॉस कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पोर्शन पे आपके पास हो रही है, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड था एक तरफ, कौन सा था, कॉपर इलेक्ट्रोड था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हाफ सेल को इसमें साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके हमने इसको क्या बना दिया था, सेल में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये तो कुछ नया नहीं है, जो मैंने आपको समझाया वही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है SHC। पहले इसकी देख लेते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, SHC की जरूरत क्यों हुई, ठीक है। देखिए ये जो सेल था हमारा, इसमें क्या है कि हमने वोल्ट मीटर लगा के हमने इसका पोटेंशियल निकाल लिया, और वो पोटेंशियल कितना आया, वो पोटेंशियल आया 1.10 वोल्ट। ये तो सेल का निकल गया। अगर मैं इसको अलग देखूं, ठीक है ना, ये जो हमारा पोटेंशियल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, या हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू टेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रोड। किसी इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है कि वो लॉस कर रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रकार आपके पास क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आपका एक इलेक्ट्रोड पे, यानी यहाँ पे जब जिंक कन्वर्ट हो रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो इसका इस रोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। और इधर जो आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि किसी को एक को अज्यूम करना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा, हम किसी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर तो दोनों के बीच का पोटेंशियल दे रहा है, दोनों का डिफरेंस दे रहा है। अब क्या है, ये तो पूरे सेल का पोटेंशियल हो गया। हम चाहते हैं कि किसी के रेफरेंस में हम हाफ सेल का भी, यानी अगर मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे दो पार्ट बना दिए, एक इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह दें और इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी बोल दूं मान लो, तो ये जो रिएक्शन में मैंने
रिएक्शन को पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे इसको अगर मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब दिक्कत ये आ गई कि हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस बनाया, और रेफरेंस क्या बनाया, हाइड्रोजन का रेफरेंस बनाया। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सेल डिजाइन किया है जिसको हम बोलते हैं SHE, जिसको हम क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब SHE क्या है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए ये है आपका SHE। SHE एक स्पेशल कह सकते हो, एक हाफ सेल डिजाइन किया गया है स्पेशली, हाफ सेल। ठीक है, और इसकी अगर खास बात करूँ तो इसमें क्या है, ये जो आपकी ये जो है, ये है आपकी प्लेटिनम वायर सील्ड विद ग्लास ट्यूब, सील्ड बाय ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब से इसको सील कर रखा है। ठीक है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस एंटर करवाएंगे और यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, और वो सॉल्यूशन है 1 मोलर, यानी उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है आपको दिख रहा है 1 बार, यानी ये सारी कंडीशन मैंने स्टैंडर्ड ले ली। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कराएंगे तो कुछ बबल्स भी बनेंगे जो सेल वर्किंग के दौरान होगा। ठीक है ना, इस सेल की खास बात क्या है, इस सेल की खास बात ये है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाए हम इसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज्यादा है या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कम है। ठीक है ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जिंक का, तो जिंक का भी हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। कॉपर का भी निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो बच्चों देखो क्या होगा इसमें, कि आपका जो SHE है उसमें दोनों प्रोसेस हमने मान लिया। जैसे मान लो अगर ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है, एनोड की तरह तो कैसे काम करेगा, जब हम बात करें एट एनोड की, तो एनोड पे तो क्या होगा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस जो आप इंसर्ट करवा रहे हो ये आपकी आयनाइज हो जाएगी। ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ एट कैथोड की, तो कैथोड पे जो आपका ये जो एच पॉजिटिव है, जो सॉल्यूशन से आपको एच पॉजिटिव मिला है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, H2 बना। अब आप कहोगे जी ये अब इसकी खुद की मर्जी है कि कब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कब लॉस करेगा, ना जी ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको जिंक के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, जिंक के साथ है। वापिस आइए, मैं आपको वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे चलता हूँ। हमने जिंक और कॉपर का करवाया, तो जिंक और कॉपर का करवाया तो पहले देखना है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो आपको पता है रिएक्टिविटी जिंक की है, तो जिंक ने क्या किया, लॉस किया, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो लॉस करेगा, तो दूसरा डेफिनेटली क्या करेगा, आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो आपके पास एनोड की तरह काम करेगा यानी ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगी, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड बन जाएगा आपके पास, और कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, कैथोड होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम बात करेंगे, यानी जब हाइड्रोजन और जिंक को लेकर आएंगे तो आपको पता है जिंक की रिएक्टिविटी क्या ज्यादा है, जगह तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा। अगर ये लॉस करेगा तो ये तो आपका क्या बनेगा, एनोड ही बनेगा, क्या बनेगा, एनोड, और ये गेन करेगा, गेन करेगा तब क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। जबकि अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन और कॉपर की कंपेरिजन करूँ, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी कॉपर की कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा, जो ज्यादा होगा वो लॉस करेगा, तो ये एनोड का काम करेगा, ये जो हाफ सेल है वो एनोड का काम करेगा, और जो कॉपर है वो आपको पता है क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास कैथोड आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, देखो इस केस में तो हाइड्रोजन एनोड की तरह काम कर रहा है या SHE एनोड की काम कर रहा है, और यहाँ पे जो देखिए SHE किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। अभी बात समझे, तो इसमें दोनों ही रिएक्शन हो सकती है, एट एनोड और एट कैथोड। और दूसरी इसकी खास बात क्या है, दूसरी इसकी खास बात ये है बच्चों, कि अगर मैं इसकी यहाँ पे चर्चा करूँ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ, जैसे ई नोट स्टैंडर्ड का मतलब अब कंसेंट्रेशन हमें नोवन है और प्रेशर हमें नोवन है, टेम्परेचर हमें नोवन है, ठीक वैसे ही जब इसको जिंक के साथ लेंगे कंपेयर करने के साथ, तो जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन लिया था वो भी आपका 1 मोलर होना चाहिए, उसकी कंसेंट्रेशन भी स्टैंडर्ड करनी है 1 मोलर, और टेम्परेचर करना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो जैसे 2H पॉजिटिव से H2, और अगर इसके मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, यानी एच पॉजिटिव से, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, जस्ट ए मिनट, ई नोट H2 टू 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसका हमने रेफरेंस ले लिया है,
भी इसको जीरो मान लेते हैं और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कि किसका कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हम सभी का पोटेंशियल निकाल लिया एक बार। तो क्या किया, कॉपर जैसे मान लीजिए ये आपका दिख रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जस्ट ए मिनट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ठीक है, एक बार तो क्या करेंगे, ये वाली जो वायर है, ये वाली वायर यहाँ से हटाएंगे और ये वाली वायर यहाँ से हटाकर किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ, और साल्ट ब्रिज भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन हटा ही दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया। तो हम क्या करेंगे, ये एनोड का काम है, ये कैथोड का काम है। ठीक है, तो दोनों का हम पोटेंशियल जोड़ देते हैं। जैसे सेल होता है, सेल का पोटेंशियल क्या होगा, सेल का पोटेंशियल होगा ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, पर आप एक बात ध्यान रखना, ये जब उल्टा होता है ना, जैसे मान लो रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव के साथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन है प्लस का तो इसका मतलब नेगेटिव रिडक्शन लिख सकते हैं। जैसे आप ये सोच लीजिए कि हम जैसे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते थे, तो हम देखते हैं कि जब एसआई यूनिट में हो, क्वांटिटी तो सबको एसआई यूनिट में लेना होता है, जैसे किलोमीटर में होता है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, मिनट में टाइम दिया होता है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो देंगे, जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, तो इसीलिए हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और यहाँ भी सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे किसका, एनोड का लिखेंगे। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखिए क्या बना, फिर मेरा जो ई सेल है, और ई नोट सेल कह सकते हो क्योंकि सब कंसेंट्रेशन वगैरह टेम्परेचर वगैरह फिक्स कर दिया, ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड पे कौन है, एस एच ई है, और कैथोड पर अगर एस एच ई है तो इसका मतलब मैंने लिख दिया 2H+ से H2। अब देखो वो माइनस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई नोट Zn2+ to Zn। देखो अभी क्या लिख रहे हैं, हमें हमें जो ऑक्सीडेशन है उसको ऑक्सीडेशन लिखूं, जैसे मान लीजिए इसकी रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन लिख दिया, प्लस का साइन कब आएगा, जब मैं उसकी ऑक्सीडेशन लिखूंगा Zn से, Zn2+ लिखूंगा, सॉरी बच्चों, पर मैं इसको Zn2+ ये तो होगी ऑक्सीडेशन, इसको मुझे रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा इसके आगे, और जब ऐसा करूंगा तो आपको पता है देखिए कि ये वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो प्लस माइनस माइनस देगा, और वोल्टमीटर रीडिंग देगा, और वोल्टमीटर रीडिंग देगा 0.76, ये एक्सपेरिमेंटली आएगी, और ये जो वैल्यू है 2H+ 2H2 ये जीरो हो जाएगी, माइनस क्या आ जाएगा, ई नोट Zn2+ to Zn आ जाएगा। यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा ई नोट Zn2+ to Zn, और वो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हमें और क्या करना है, इसी प्रकार मान लीजिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, उसको हम वापस ले आएंगे। ये लीजिए, ये आपका सेल है। अब क्या करना है, अब हमें ये वाला जो पोर्शन है, जस्ट ए मिनट, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। इस बार हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, ये वाला जो पोर्शन है वो कट कर दिया, ये वाला पोर्शन कट कर दिया, ये वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी, और ये ब्रिज जो है वो ब्रिज भी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे आगे लाके, यानी ये वाला पोर्शन हटा ही देना है। ठीक है, अब इसका देखिए कैसे निकलेगा, तो इसका जो ई सेल निकालेंगे, ई नोट सेल, तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, कॉपर का, कॉपर 2+ to कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन की तो अब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपर वाला ले रखा है ना, कॉपर वाला सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर रोड ले रखी है, तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा माइनस ई नोट, माइनस तो लगाने लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अब ये हमने जीरो कंसिडर कर रखा है, तो ई नोट सेल की वैल्यू वोल्ट मीटर दे देगा, वो आ जाएगी 0.34 इज इक्वल टू ई नोट कॉपर 2+ to कॉपर -0। इस तरह से ना सबकी निकाली, जैसे मान लो मैंने सिल्वर के साथ रेस्पेक्ट में निकाली, सिल्वर की किसके रेस्पेक्ट निकाली, हाइड्रोजन की, तो कितने 0.80 वोल्ट है। इसका मतलब जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिनकी हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, जैसे सोडियम, उससे पहले पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो ये जो वैल्यू है, जो हाइड्रोजन से जिनकी रिएक्टिविटी वैल्यू, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उनका आंसर तो नेगेटिव में आएगा, और जिनका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा उनकी रिएक्टिविटी से कम होगी। जैसे कॉपर का देखो, कॉपर का प्लस में आया,
ठीक है, कॉपर का कितना आया, ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव 2 कॉपर आया आपके पास 0.34। और अगर मैं निकालना हूँ ई नोट ए जी पॉजिटिव टू ए जी, तो सिल्वर की भी कम होती है और इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.80 वोल्ट आती है। तो ये सभी किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और इस तरह से हम अलग अलग इलेक्ट्रोड की सभी की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू हमने क्या कर दी, एक सीरीज बना ली या एक टेबल बना ली। उस टेबल में पहले उनको रखा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, फिर बाद में उनको रखा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। और उस अरेंजमेंट को हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये तो आपको हाफ शेल है, थोड़ा सा पढ़ के देख सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया ये निकाल के देखा है। अलग अलग जो आया, फिर हमने सेल का पहले कॉपर का निकाल लिया, फिर जिंक का निकाल लिया, तो कॉपर का 0.34 और जिंक का माइनस का 0.76, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, अगर हम और बात करें तो ये हमारी लास्ट डेफिनेशन है, ये मैं आपको सीरीज की बात कर रहा था, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। और वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ये क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट इन विच डिफरेंट, या फिर हम कह सकते हैं वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हम कहें वेरियस, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं। वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आज तो इंट्रोडक्शन क्लास रही है, और कल हम हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।